मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि चैत्र नवरात्र की नवमी की सभी प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामना देता हूं। आदिशक्ति मां भगवती के विशेष अनुष्ठान का आयोजन बासंती नवरात्रि के रूप में सनातन धर्म के द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर परंपरागत रूप से 9 दिनों तक आदिशक्ति माँ भगवती, जो कि इस जगत की आदिशक्ति माता है, अनुष्ठान पूजन के उपरांत माँ के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर में संपन्न हुआ है। भारत की परंपरा में मातृशक्ति का सदैव उच्च स्थान रहा है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए वह बसंती नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र हो, दोनों अवसरों पर इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर पूरे देशवासियों को प्राप्त होता आ रहा है और इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि का कार्यक्रम का समापन होगा तथा आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। पूरे समाज को आदर्शों के साथ जोड़ने वाले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी पूरे देश का दुनिया में मनाया जा रहा है तथा अयोध्या में भगवान राम के जन्मोत्सव पर विशेष कार्यक्रम चल रहा है और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी यह आयोजन हो रहा है उसके साथ श्रद्धालु जन बहुत उत्साह के साथ भगवान राम के प्रति अपने आस्था को व्यक्त करते हुए इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। इसीलिए बसंती नवरात्रि व रामनवमी के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मित्रों आज बसंती नवरात्रि की नवमी तिथि है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम नौ तिथियों में आदिशक्ति माँ भगवती के विशेष अनुष्ठान आयोजन के नवरात्रि के रूप में सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर परंपरागत रूप से 9 दिनों तक आदिशक्ति माँ भगवती, जो इस चराचर जगत की आदिशक्ति है, के अनुष्ठान पूजन के उपरांत मातृशक्ति के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। भारत की परंपरा में मातृशक्ति का सदैव सर्वोपरि स्थान रहा है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए वह बासंती नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों अवसरों पर इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य पूरे देशवासियों को प्राप्त होता है। आज नवमी की स्थिति पर कुंवारी कन्याओं की पूजन का नव दुर्गा स्वरूप, नौ कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है और इसके साथ ही नवरात्रि आशिते नवरात्रि का एक कार्यक्रम संपन्न होगा। आज की तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि भी है। पूरे समाज को मर्यादा के मार्ग पर लेकर के मानवीय जीवन मूल्यों को कुछ आदर्शों के साथ जोड़ने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी पूरे देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी या भारत के अंदर जन्मे भी उपासना विधियों के अनुयायी निवास करते हैं उनके द्वारा हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या धाम में विशेष आयोजन चल रहे हैं और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी ये आयोजन हो रहा है उसके साथ
श्रद्धालु जन बड़ी उत्साह उमंग के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं माँ शक्ति नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। विश्वास करता हूँ कि नवरात्रि के अवसर पर आज नौवीं तिथि पर हमने देवी स्वरूपा जिन कन्याओं के पूजन के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हैं उन्हें सुरक्षित रखने, अच्छा माहौल देने और उनके लिए शासन के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं उनके उन्नयन के लिए उनके बेहतर भविष्य के लिए लागू की गई है उन सबको पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, जननी सुरक्षा का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना या फिर मिशन शक्ति के माध्यम से पूरी मातृशक्ति की सुरक्षा सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं के साथ जुड़ करके हम इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिस श्रद्धा भावना के साथ हम सब इस आयोजन के साथ जुड़े हैं उसी श्रद्धा भावना के साथ हम लोग मातृशक्ति की सुरक्षा उनके सम्मान और स्वावलंबन के कार्यक्रम को अपने दैनिक जीवन में भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम इस नौवीं तिथि के अवसर पर अयोध्या धाम के साथ साथ पूरे देश के अंदर और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है उनके द्वारा हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन आदर्शों का जो मानवीय चरित्र को कुछ आदर्शों के साथ जोड़ दे कि सदैव प्रेरणा प्रदान करता है। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके मानवीय गरिमा उसकी सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए निरंतर कार्य करेंगे। एक भेदभाव रही सबको न्याय सबको सम्मान के भाव के साथ आज केंद्र और प्रदेश सरकार जिस विश्वास के साथ राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए कार्य कर रही है उस के साथ प्रत्येक नागरिक जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं वासंत के नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर फिर से प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, आपकी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।